मी डॉक्टर रायमन काती काती हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट आणि सोनोलॉजिस्ट आहे. म्हणजे सगळे प्रकारचे स्त्री रोग निदान होतात. आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है. सोलापुर शहर पुलिस ने फिर एक गुनहगार पर की एमपीडीए की कार्रवाई. दरअसल सोलापुर शहर एमआईडीसी जोड़बाई पेड़ और सलगर बस्ती पुलिस थाने की हद में जुनाबिड़ी गरकुल परिसर का रहने वाला 38 साल गुनहगार संदीप प्रहलाद चौहान कई सालों से अवैध हथियार का इस्तेमाल कर जबरी चोरी, घरफोड़ी, हफ्ता मांगना, हफ्ता ना देने पर आम व्यापारियों, दुकानदारों और आम नागरिकों को जान से मारने की धमकी देने जैसे 10 केस पुलिस थानों में दर्ज हैं, जिसकी गुनहगारी को खत्म करने के उद्देश्य से साल 2021 में संदीप को तड़ीपार भी किया गया था. लेकिन उसकी गुनहगारी में कोई बदलाव न आने पर सोलापुर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र माने जी ने बीते 29 दिसंबर 2023 को संदीप चौहान पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई कर पुणे के यरवड़ा जेल भेज दिया है. सोलापुर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र माने जी ने अब तक 19 गुनहगारों पर एमपीडीए की कार्रवाई की है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तड़ीपार और एमपीडीए की कार्रवाई और बढ़ सकती है.